नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का मेरा विषय है नजरिया। दोस्तों, ये विषय हर किसी के लिए अलग अलग साबित होता है, क्योंकि किसी के देखने का नजरिया अलग होता है और किसी के देखने का नजरिया अलग। कोई सकारात्मक सोचता है तो कोई नकारात्मक। दोस्तों, ये सब्जेक्ट हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। आज की कहानी उन दो भाइयों की, जिन दोनों भाइयों का देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था। एक व्यापारी था जिसके दो बेटे थे। दोनों बेटे अलग अलग स्वभाव के थे। कुछ समय बाद व्यापारी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद दोनों लड़के अलग अलग कामों में लग जाते हैं, पर कुछ समय बाद पहला लड़का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है, वहीं दूसरा बेटा एक नशेड़ी बन जाता है, नशा करने लग जाता है। इतनी बेकार हालत हो जाती है कि वह चल भी नहीं पाता है, हर वक्त नशे में धुत रहता है। जब पहले लड़के से लोगों ने पूछा कि भाई बताओ, तुम तो आज बहुत बड़े व्यापारी हो, परंतु तुम्हारे भाई की यह दशा कैसे हुई? तब पहला लड़का बताता है कि मैंने पिताजी से हमेशा व्यापार के गुण सीखे, व्यापार करना सीखा है और अच्छी बातें सीखी, जिसका नतीजा यह है कि मैं आज व्यापार कर रहा हूं। पर वहीं मेरे छोटे भाई ने पिताजी से बुरी आदतें सीखी, नशा करना सीखा और उन्हीं आदतों को वो ग्रहण करने लगा और आज वो बहुत बड़ा नशेड़ी बन चुका है। तो दोस्तों, इस कहानी से यही साबित होता है कि हमारे देखने का नजरिया, हमारे सोचने का नजरिया, हम चीजों में से क्या ग्रहण कर रहे हैं, हम अच्छी चीजें ग्रहण कर रहे हैं या बुरी चीजें ग्रहण कर रहे हैं, यह मायने रखता है। जिस प्रकार की हंस दूध में से भी दूध दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है, उसी प्रकार की हमारी भी आदत होनी चाहिए कि हम अच्छी चीजों को ग्रहण करें और बुरी चीजों को छोड़ दें। देखने का नजरिया इस बात का भी है कि एक व्यक्ति को गिलास आधा भरा हुआ लगता है, वही गिलास दूसरे व्यक्ति को आधा खाली लगता है। यह उसके देखने का नकारात्मक रवैया है। तो दोस्तों, जीवन में अपना नजरिया बदलिए, नकारात्मकता को अपने जीवन से निकाल दीजिए और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।